आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो पूजा आई है मेरा दिमाग खाने, मैं भी इसका दिमाग खा रही हूँ। फिर आज खाना तो बनेगा नहीं क्योंकि एक दूसरे का ही दिमाग खा लिया है। अब जा रहे हैं हम लोग मार्केट, इसको पार्लर ले जाना है, सामान दिलाना है, क्योंकि जब गई थी मैं इसके पास झांसी तो इसको कपड़े दिलाए, उसको मैंने, अरे मेरे ऑफिस की गाड़ी आ रही, इसको मैंने कूलर दिलाया, कपड़े दिलाए, फुटवियर दिलाए, फिर अब फिर आई है तो फिर कुछ दिलाना पड़ेगा। जो बड़ा होता है तो उसके छोटों को कपड़े दिलाने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ दिलाना पड़ता है। और एक बेनिफिट मिल जाता है कि कोई काम करवाना होता है फिर छोटों को ऑर्डर दे दो, ये काम करो, खाना बनाओ, कपड़े लाओ, पानी दे दो, ये सब काम छोटे करते हैं। दीदी हाँ, पैसा तो नहीं था? पैसे पैसे कहाँ रखे? कह रही आपके पैसे उठा लें खर्च करके। देखिए फ्रेंड्स, कभी गोलगप्पे खाने होते हैं यहीं पर, गोलगप्पे का ठेला लगता है, तो खाना तो नहीं है रूम में से। डिस्टर्ब कर रही हो तो उसमें पैसे रख के डिब्बे में, उसमें सुखा दे, उस डिब्बे में रखो, एटीएम डिब्बा में। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे एटीएम डिब्बा में से पैसे उठा रही, 100 रुपये से, और थोड़े बहुत 150 उस बैग में से उठा लूँ, ब्लैक वाले में से, ऑफिस वाले में से। ये आ गई है, बहुत अच्छा सा लग रहा है क्योंकि फिर तो अकेले अकेले रहते हैं, अच्छा ही नहीं लगता। जब मेरे पापा आते हैं फिर मुझे एक बात पे हमेशा डांट पड़ती है, कहते हैं इतने सारे जूता चप्पल ले रखे हैं, क्यों ले रखे? फिर मैं चुप रह जाती हूँ, क्या करूँ। ये फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं गन्ने का जूस पीने क्योंकि मार्केट जा रहे हैं। पूजा कह रही है दीदी गन्ने का जूस पियेंगे, फिर मैंने कहा ठीक है, तो हम लोग गन्ने का जूस पी लेते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी, बाय। और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, बाय, टेक केयर।